हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के बारे में। अब नेटफ्लिक्स के बारे में क्यों बात करें, क्योंकि नेटफ्लिक्स फाइनली अफोर्डेबल हो गया है उन सभी लोगों के लिए जो कि देखना चाहते हैं नेटफ्लिक्स पे अपने पॉपुलर शो। और सबसे पॉपुलर शो कौन सा है नेटफ्लिक्स पे? जी हाँ, सेक्रेड गेम्स है और सेक्रेड गेम्स आ रहा है 15 अगस्त को। तो ऐसे में ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए क्योंकि इसमें मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के बारे में, किस तरह से आप नेटफ्लिक्स में क्या कुछ देख सकते हैं, कैसे आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं और कैसे अगर आप यूज भी करना चाहें तो कम से कम पैसों में सब कुछ देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे बिना किसी लिमिट के। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस वीडियो में वो सरप्राइज गिफ्ट जीतना चाहते हैं जो कि हम अपनी तरफ से आपको देने वाले हैं, उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में भी लिखना कुछ जो कि आपको अच्छा लगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। तो नेटफ्लिक्स, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रीमियम कंटेंट वाली एक सर्विस है, एक ओटीटी प्रोवाइडर है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे शोज, चाहे वो यूएस के हों या इंडिया के हों, बहुत से अच्छे शोज आपको देखने को मिलते हैं। और अगेन, यहां पे नेटफ्लिक्स इंडिया में सबसे ज्यादा जो है देखा गया तब जब वहां पे सेक्रेड गेम्स आया। और ऐसे में हिंदी कंटेंट बहुत सारा है नेटफ्लिक्स पे, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ही सोचते हैं कि भाई नेटफ्लिक्स पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कंटेंट ही मिलता है, और अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ वहां पे इंग्लिश कंटेंट, हिंदी कंटेंट होता है, वहां पे कंटेंट की एक प्रॉपर रेटिंग होती है। यानी कि अगर आप चाहें तो नेटफ्लिक्स को अपने बच्चों के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वहां पे चिल्ड्रन का अलग से अकाउंट बन जाता है, अडल्ट्स के लिए अलग से अकाउंट बन जाता है, और जो चिल्ड्रन वाले अकाउंट की प्रोफाइल है उसके अंदर बेसिकली एक ही अकाउंट में मल्टीपल प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं। और अगर आप चिल्ड्रन अकाउंट की प्रोफाइल में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कंटेंट बिल्कुल फिल्टर हो जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं आएगा आपके बच्चों के लिए जो कि उनके लिए गलत हो। ऐसे में ये चीज बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे रेटिंग है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन है और पूरा पेरेंटल कंट्रोल भी है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ पर्टिकुलर शोज को ब्लॉक भी कर सकते हैं जो कि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे देखें, चाहे वो चिल्ड्रन बोर्ड के अंदर अलाउड भी हो। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स के अंदर आपको एक और फीचर मिल जाता है, वो है यहाँ पे डाउनलोड का। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना चाहते हैं लेकिन उस केस में आपके पास उस समय नहीं है, आप फ्लाइट पकड़ने वाले हैं या फिर आप कहीं और जाने वाले हैं और उस टाइम पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो आप चाहें तो ऑफलाइन में जो भी एपिसोड आप देख रहे हैं उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। और यहाँ पे स्मार्ट डाउनलोड वाला भी एक फीचर है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जब भी कोई एपिसोड आप देख लेते हैं तो उसके बाद नए एपिसोड के लिए अगर आपके डिवाइस के ऊपर जगह नहीं है तो उस केस में पुराने वाला एपिसोड जो है डिलीट हो जाता है और नया वाला अपने आप डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे स्मार्ट डाउनलोड का फीचर भी है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो दो डिवाइसेस पे डाउनलोड करके रख सकते हैं वो सारे शोज जो कि आपने देखने हैं, और यहाँ पे इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। और अच्छी बात यह है कि नेटफ्लिक्स के मल्टीपल प्लान आपको ऑफर्ड है, तो यहाँ पे जो प्लान आप अफोर्ड कर सकते हैं उस प्लान के लिए आप जाइए। और सबसे सस्ता प्लान इंडिया के लिए जो कि लॉन्च हुआ है वो है 199 रुपीज का प्लान, और इस 199 रुपीज के प्लान में आप अनलिमिटेड कंटेंट देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, और ये आप अपने मोबाइल फोन पे स्ट्रीम कर सकते हैं या फिर टैबलेट पे स्ट्रीम कर सकते हैं नेटफ्लिक्स का कोई भी शो, कुछ भी कंटेंट, कहीं कोई लिमिट नहीं है। यानी कि जो शो एक 200 रुपए प्लान वाला बंदा देख सकता है वही शो एक 800 रुपए प्लान वाला बंदा भी देख सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ फर्क आता है रेजोल्यूशन के अंदर और कुछ और चीजें, जैसे कि आप नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने पे स्ट्रीम कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपने बिल्कुल महंगे वाला प्लान नेटफ्लिक्स का लिया है तो उस केस में आप लैपटॉप पे देख सकते हैं, मोबाइल फोन पे भी देख सकते हैं, अपने टैबलेट पे भी देख सकते हैं। लेकिन जो मोबाइल ओनली प्लान है जो 200 रुपए का है उसमें आप सिर्फ मोबाइल फोन पे देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग वेरिएशन है, रेजोल्यूशन का फर्क है। और इस केस में आपका कैसा भी कनेक्शन हो, चाहे आपके पास वीक 3G 4G कनेक्शन है या फिर अगर आपके पास एक प्रॉपर हाई स्पीड वाईफाई है, हर तरह के इंटरनेट स्पीड के साथ नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है स्ट्रीम हो जाता है, चल जाता है। और मुझे लगता है कि इनकी स्ट्रीमिंग जो है काफी ऑप्टिमाइज है, जैसा आपका डिवाइस उसके हिसाब से आपका रेजोल्यूशन। और अच्छी बात यह है कि जो भी शो आप देखेंगे, जो भी चीज आप देख रहे हैं वो बीच में अटकेगा नहीं, क्योंकि इनका ये पूरा कंटेंट ऑप्टिमाइज रहता है चाहे आप किसी भी डिवाइस पे देख रहे हैं। और अगेन, यहाँ पे सबसे सस्ता प्लान जो कि 200 रुपए का है उसमें आप एक डिवाइस पे ऑन द गो भी देख सकते हैं, वाईफाई पे भी देख सकते हैं, 4G पे भी देख सकते हैं, और डाउनलोड ऑप्शन वहां पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा कोई भी चीज देखने से पहले आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें कहीं कोई ऐड नहीं है। नेटफ्लिक्स का कोई भी प्लान आपके पास है, चाहे वो सस्ता प्लान है चाहे वो महंगा प्लान है, आपको किसी भी तरह के ऐड देखने को नहीं मिलते हैं। मान लीजिए कि आप भी देखते हैं, आपका भाई भी देखता है, आपकी वाइफ भी देखती है और एक ही अकाउंट आपके घर में चल रहा है, यू आर बेसिकली यूजिंग इट ऑन मल्टीपल स्क्रीन, तो उस केस में सबकी वॉच हिस्ट्री अलग रहेगी। यानी कि जब आप लॉग इन करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाइए तो आपकी वॉच हिस्ट्री अलग है, जो
अगर आपका कोई भाई है तो वो उनकी वॉच हिस्ट्री अलग है, कोई और फैमिली मेंबर है तो उनकी वॉच हिस्ट्री अलग है। तो इस केस में सब अपनी अपनी वॉच हिस्ट्री के हिसाब से अलग अलग तरह के रिकमेंडेशन देखेंगे नेटफ्लिक्स पे, और ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है। और एनी टाइम यू कैन अपग्रेड, मतलब अगर आप चाहें तो कभी भी अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका पूरा मंथ वेट करना है। अगर आपका मन है कि मोबाइल ऑनली प्लान से आपको ऊपर जाना है, HD में स्ट्रीमिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, 4K में देखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, और अगेन फ्री में आप एक मंथ तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो अगर आप नहीं स्टार्ट किया अभी तक, Netflix का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर सकते हैं और एक मंथ फ्री में देख सकते हैं, और उस केस में सीक्रेट गेम तो आप फ्री में देख ही लेंगे, इतना तो मैं पक्का कह सकता हूं। बात करते हैं सरप्राइजेस की, तो सरप्राइजेस यहां पे कुछ ऐसे होने वाले हैं जो कि मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको उन सरप्राइजेस को जीतने के लिए, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ विनर्स होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो जवाब देंगे कुछ ऐसी बातों का जो कि मैंने इस वीडियो में बताई हैं, और उन सवालों के सही जवाब देने वालों में से कुछ रैंडम लोगों को चुना जाएगा और उनको मिल जाएगा कुछ गिफ्ट हमारी तरफ से। और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं नेटफ्लिक्स के बारे में तो लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।